हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आइए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राजू डिस्ट्रीब्यूट्स 91 रुपीज अमंगस्ट थ्री ब्रदर्स। तो तीन भाइयों के बीच में 91 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके से हो रहे हैं सच अ वे दैट एल्डेस्ट जो है, जो सबसे बड़ा है, उसको डबल पैसे मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ द यंगेस्ट। यंगेस्ट के कंपैरिजन में इसे डबल पैसे मिलेंगे। अगर यंगेस्ट को 1 रुपए मिलते हैं तो एल्डेस्ट को 2 रुपए मिलेंगे, और उसी एल्डेस्ट को 1/2 टाइम्स मिल रहा है एज मच एज द मिडिल ब्रदर। तो दो तरह की इक्वेशन है यहां पर। एक कंपैरिजन है एल्डेस्ट ब्रदर का, एल्डेस्ट ब्रदर का किसके साथ है, यंगेस्ट के साथ है, राइट। और ये कंपैरिजन कुछ इस तरीके से है, वो कह रहा है कि एल्डेस्ट को डबल मिलते हैं, यानी कि इसको डबल पैसे मिल रहे हैं अगर यंगेस्ट को 1 रुपए मिलते हैं। दूसरे कंपैरिजन में वो ये कहता है कि जो मिडिल ब्रदर है उसके कंपैरिजन में एल्डेस्ट ब्रदर को कितना मिलता है। नाउ अब हम लिखते हैं एल्डेस्ट का कंपैरिजन, एल्डेस्ट का कंपैरिजन करेंगे वापस से, और कंपैरिजन होगा इस बार जो मिडिल में ब्रदर है उससे, राइट। तो वो कह रहा है कि 1/2 ना, 1/2 इसका मतलब होता है 2 1 2 प्लस 1, बोले तो 3/2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई एल्डेस्ट को जो है इतना मिल रहा है, तो अगर मान ले कि मिडिल वाला जो ब्रदर है उसको मिल रहा है 2 रुपीज, तो एल्डेस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 रुपीज मिल जाएंगे। भाई अगर आप 2 का 3/2 करोगे तो 3 आ जाएगा ना, तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया, राइट। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया। अब नाउ अगर आपके पास रेशियो आ गया तो आप एक चीज देखें, आपको बताना है शेयर ऑफ एल्डेस्ट ब्रदर, क्योंकि तीनों के पास मिलाकर के कितने पैसे हैं वो हमें गिवन है। तो पहले हमें तीनों का शेयर पता होना चाहिए रेशियो। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर देखिए, आप दोनों जगह पर एल्डेस्ट आपको कॉमन दिया हुआ है, तो आप इसी का सहारा लेंगे। अब यहां पर 2 दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है 3, तो ये प्रॉब्लम है, राइट। तो आप 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप दोनों को 6 बनाएंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों तरफ 3 से, तो अपने आप 6 हो जाएगा। इधर दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका जो रेशियो आएगा ना, वो आप कह सकते हैं कि एल्डेस्ट और फिर यंगेस्ट और फिर मिडल, या मिडल वाले को मिडल में लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये रिडल बन जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो एल्डेस्ट है उसको 6 मिलेगा, क्योंकि 3 2 6 होता है। दूसरी तरफ यंगेस्ट को आप 3 रुपीज मिल रहे हैं, राइट, और मिडल वाले को मिल रहे हैं 4 रुपीज। नाउ अगर आपके पास इंडिविजुअल शेयर आ गया उनका, तो आप कह सकते हैं तीनों को मिलाकर के कितने पैसे मिल रहे हैं, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13। पर क्या रियलिटी में उनको 13 रुपीज मिल रहे हैं? आप कहेंगे जी नहीं, रियलिटी में उनको कितने मिल रहे हैं, टोटल 91 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जब आप कैंसल आउट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 13 की टेबल में 91 7 पे आता है। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 7 है। तो आप तीनों को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों का शेयर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप इधर भी 7 से कर सकते हैं, इधर भी 7 से कर सकते हैं, इधर भी 7 से कर सकते हैं, तो यह इनके शेयर आ जाएंगे 6 7 42 रुपीज मिलेंगे एल्डेस्ट को, 3 7 21 मिलेंगे मिडल को, और 28 मिलेंगे यंगर को। पर आपको पूछा है सिर्फ और सिर्फ एल्डेस्ट ब्रदर का, तो भाई क्योंकि एल्डेस्ट ब्रदर आपका जो है उसको 42 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।